हेलो फैमिली, किचन टेल्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम बनाएंगे छोले भटूरे। छोले भटूरे बनाने के लिए हमने चने को रात भर भिगो के रख लिया है। अब इसको हम उबाल लेंगे पानी डाल के, नमक हल्दी। अब हम भटूरे के लिए लगाएंगे डो। 1 कप मैदा, 1/2 कप सूजी, 3 चम्मच दही, 1 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच नमक, 2-3 चम्मच तेल और बेकिंग पाउडर डाल के हम अच्छे से इसको मिला लेंगे। और एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। अभी इसको 1 घंटा ढक के रख लेंगे। अब चलते हैं। छोला बनाने के लिए हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, तेज पत्ता डाल दिया है, 1 टुकड़ा दालचीनी का। अब डालेंगे पिसा हुआ प्याज और इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी भून लेंगे। अब डालेंगे पिसा हुआ टमाटर, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, छोले मसाले, नमक डाल के सब अच्छे से पका लेंगे। जब तक हमारा मसाला तेल छोड़ेगा, अब हम डालेंगे छोले, इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे और 2 मिनट ढक देंगे। फिर डालेंगे पानी और अच्छे से मिला के इसको हम ढक्कन लगा के 5 मिनट तक पका लेंगे। अब बनाएंगे भटूरा। अब मैं आटे का सब लोई बना के रख ली हूँ। अब हम इसको बेलेंगे, थोड़ा सूखा आटा लगा लेंगे। को तलने के लिए हमने तेल गरम कर लिया है। अब इसको हम तल लेंगे। हल्का हल्का इसको दबा के इसी तरह हम और भटूरों को तल के तैयार कर लेंगे। अभी छोले भटूरे बनके तैयार हो गए।